नमस्ते, राज रतन रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे के पाए, जिसको हम गोट भी बोलते हैं, इसको मटन पाए भी बोलते हैं, खरोड़े भी बोलते हैं, कोई बकरे के पाए बोलता है, सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा, सर्दियों में इतना फ़ायदा है, अगर इसका सूप बना लोगे तो बहुत टेस्टी होता है। और उसके बाद अगर किसी को कोरोना आता है या कुछ होता है, इसका जिसका खाने का मन नहीं होता, उसको दो दो चम्मच अगर आप सूप पिलाओगे वो बंदा ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने घर में बीमार कोरोना के पेशेंट हमने ठीक करे हैं इसी से। आप प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना, कोरोना हो, बुखार हो, जॉइंटेस हो, बस सूप देना है। इसका जो सूप होता है वो अंदर की ताकत को बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए आप जरूर ठंडी में तो जरूर बनाना, जिसकी हड्डियों में दर्द है वो दोनों टाइम अगर पिए तो उनकी हड्डियों में बहुत आराम आएगा। हमारी मम्मी तो गर्म पानी में भी साफ करती थी, आटे में भी साफ करती थी। मैं आपको दिखाती हूँ आटे में कैसे साफ करते हैं। जैसे ये है, इसको कटवा के लाना है छोटे इस तरह तीन भाग में, और इस तरह साफ लेके आने हैं। एक होता है खाल निकाल के मिलना, वो है होता है उबाल के, और उसके बाद इसको आटे को ऐसे साफ करते हैं। इसका जो बालों का वो होता है छोटा छोटा, तो इसको इससे साफ हो जाता है। ये इस तरह ये बहुत साफ हो जाता है, और गुनगुने पानी में आप इसको लास्ट में धो लेना। इस तरह साफ करना है, इसी तरह आपको सारे इसी तरह साफ करना है, ऐसे आटा डाल के। मैं सारा अभी आपको साफ करके दिखाती हूँ। ये मैंने आटे में अब साफ कर लिए हैं, बिल्कुल साफ हो गया है। और ये गुनगुने पानी से धोना है बहुत अच्छी तरह। और ये छह पाए हैं, मैं छह पाए का बना रही हूँ। और ये मैं सब्जी बनाऊंगी, मैं सूप नहीं बना रही हूँ अभी फिलहाल, इसकी सब्जी बनती है। ठीक है, अब मैं एक कुकर चढ़ा दिया है और इसका पानी सुखा दिया है। अब मैं एक चमचा तेल डाल रही हूँ इसमें। पाए में ज़्यादा तेल नहीं जाता, बहुत कम मात्रा डाली जाती है। इसमें क्या क्या मसाले ऐड होंगे मैं बताती हूँ। जीरा, चार पाँच काली मिर्च, दालचीनी, चार पाँच लौंग, एक चक्रफूल, चार छोटी इलायची, दो बड़ी और तेज पत्ता, ये सब चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं डाल दिया है। इसके बाद डालेंगे हम एक प्याज, प्याज डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक और लहसुन कूटा हुआ। ठीक है, आप कूट के डालो या पीस के डालो, वो आपकी मर्जी है। ये इसमें डाल दिया है। अब देखो ये पिंक हो गई है। अब मैं इसमें एक टमाटर डालना है, इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं डलते, आपका मन करे तो डालना, वैसे टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं डलते। इसमें मैं एक टमाटर डाल रही हूँ सिर्फ, एक चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच धनिया भर के अच्छी तरह, और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, और थोड़ी सी हल्दी इसमें आप, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। मसाला भुन गया है और अब मैं डालती हूँ अपने ये खरोड़े। अच्छी तरह भून लेते हैं। अब ये मेरा मसाला और ये भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये भी डालेंगे इसी में। और उसके बाद हम डालते हैं इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी कितना डालना है इसमें, ये गाढ़ा नहीं खाया पिया जाता, सूप की तरह खाया जाता है, इसलिए इसमें पानी हम ज़्यादा डालेंगे। जैसे कि बताते हैं, एक गिलास, ये दो गिलास, ये तीन गिलास, तीन गिलास पानी डाल रहे हैं। और इसमें कम से कम 10 सीटी लगानी है, ठीक है, 10 सीटी लगानी है इसमें। ये बंद हो
चुके हैं आप, ये देखिए कितने अच्छा सालन बन गया है। ठीक है, अब मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। और भी नहीं? हाँ। फिनिश कर देना फिर सारा। अच्छा सूप बना था, आपको ये रेसिपी ट्राई करना। ये खरोड़े जरूर बनाना, और इसमें भरपूर कैल्शियम होती है, और इसमें जो पैरों में दर्द होता है, मैंने पहले भी यही बात बताई है, पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, इससे बहुत ठीक हो जाएगा। जो बंदा बीमार रहता है, इसका थोड़ा थोड़ा सूप पिए और जरूर पिए, और ट्राई भी करना, बना के जरूर ट्राई करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना, और शेयर करना मत भूलना, और उसके बाद अपने लाइक करना मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब करना, जो नए बंदे जुड़ रहे हैं उसमें सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय 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 बाय, गुड लक।